नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। वहीं आगामी सप्ताह में मानसून की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आगामी 3 घंटों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा तथा कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, पाली, राजसमंद, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, बीकानेर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण राजस्थान के ऊपर बना डीप डिप्रेशन तंत्र आज धीरे धीरे लगभग पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। गुजरात से उत्तरी भागों के ऊपर पहुंच गया है। इसके अगले 48 घंटे में धीरे धीरे सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। इस तंत्र के प्रभाव से उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में अगले 48 घंटे के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलेगी तथा रुक रुक कर मध्यम बारिश होने की तथा कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। बीकानेर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में अगले 2-3 दिन मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में पुनः 31 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा सितंबर के प्रथम सप्ताह में भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। कोटा जिले की रामगंज मंडी में शिव मंदिर से शिवलिंग तोड़ने और मूर्तियां गायब करने का मामला सामने आया है, जिससे शहर में तनाव की स्थिति बन गई है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इकट्ठा होकर हंगामा कर दिया। मामला शहर के सरकारी कुआं चौराहे पर चबूतरे पर बने शिव मंदिर का है। असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को तोड़कर मूर्तियों को 700 मीटर दूर जैन मंदिर गेट पर चप्पल के नीचे रखा। असामाजिक तत्व सीसीटीवी फुटेज में आया है, जिसके बाद से सरकारी कुआं चौराहे पर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने चौराहे को जाम करना तथा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं कानून व्यवस्था को देखते हुए डिप्टी नरेंद्र पारिक और सीआई राम नारायण भवरिया सहित आसपास के थानों से पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। वहीं आज मुस्लिम समाज के मोहर्रम जुलूस भी है, जिसको लेकर पुलिस जाब्ता भारी संख्या में लगाया गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि चबूतरे पर शिवलिंग के साथ शिव परिवार विराजित था, जिसकी सभी पूजा करते थे। बुधवार सुबह 5 बजे श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग खंडित मिला और जब से ही 9 बजे से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई, पुलिस घटना का मौका मुआयना करने में लगी। ऐसे में जैन दिगंबर मंदिर से सूचना मिली कि कुछ मूर्तियां मंदिर के गेट पर मिली हैं, जिसके बाद पुलिस ने मंदिर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो मंगलवार रात 10 बजे एक असामाजिक तत्व मूर्तियों को लेकर आया और जैन मंदिर के गेट पर अपनी चप्पलों से मूर्तियों को दबाकर फरार हो गया। वहीं दूसरी ओर आक्रोशित हिंदू संगठनों ने सरकारी कुआं चौराहे पर धरना शुरू कर दिया है, जो राम धुन गाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। डिप्टी नरेंद्र पारिक ने बताया कि शिव मंदिर से शिवलिंग को तोड़ने और शिव परिवार मूर्तियां गायब करने का मामला सामने आया। असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग के लिंग को पत्थर से तोड़कर पत्थर पर रस्सी बांध रखा है। वहीं अन्य मूर्तियों को जैन मंदिर के सामने रखा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मनचले की तलाश की जा रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को पुरानी पेंशन योजना या एकीकृत पेंशन योजना को लेकर भाजपा से सवाल किया कि गहलोत ने पूछा कि राज्य के कर्मचारियों के हित में यह स्पष्ट करे कि ओपीएस या एनपीएस दोनों में से कौन सी योजना राज्य में लागू की जाएगी। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि केंद्र द्वारा हाल ही में यूपीएससी की घोषणा के बाद राज्य के कर्मचारियों को इस मुद्दे को लेकर के काफी कंफ्यूज हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार को तुरंत अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए ताकि कर्मचारियों को कोई तनाव न हो। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार राजस्थान की भाजपा सरकार को यह भी बताना चाहिए कि नई पेंशन योजना के तहत अंशदान एकत्र करने वाले पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के पास राज्य सरकार के कर्मचारियों का 40,000 करोड़ रुपए जमा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कई बार कर्मचारियों की यह जमा पूंजी राज्य को लौटाने का अनुरोध किया, लेकिन केंद्र सरकार ने यह राशि नहीं लौटाई है। गहलोत ने पूछा कि कर्मचारियों की गाड़ी कमाई की इस जमा राशि को वापस लेने के लिए भाजपा सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और यह राशि कब वापस आ जाएगी। क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को तथाकथित डबल इंजन सरकार का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान के जोधपुर जिले में वंदे भारत ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश नाकाम की गई है। जानकारी के 2 दिन पहले अज्ञात व्यक्ति ने रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रख दिया था। रात 8:30 बजे अहमदाबाद से जोधपुर आ रही वंदे भारत ट्रेन इस सीमेंट के ब्लॉक से टकरा गई थी। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के समय ट्रेन में 375 यात्री बैठे थे। घटना के बाद ट्रेन कुछ देर के लिए घटना स्थल पर रुकी और फिर रवाना हो गई। इस मामले में रेलवे अधिकारियों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सुमेरपुर पुलिस थाना अधिकारी भरत सिंह रावत ने
बताया कि रेलवे के सेक्शन इंजीनियर पवन कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि किसी ने जानबूझकर सीमेंट ब्लॉक ट्रैक पर रखा था। मामला 2 दिन पुराना है, लेकिन सोमवार को सार्वजनिक हुआ है। बीते दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर श्री कृष्ण गमन पथ विकास करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसके तहत भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को धार्मिक सर्किट से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। जानापाव में भगवान परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। धार के पास अमजेरा में श्री कृष्ण का रुक्मणी हरण से लेकर युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण मथुरा से भरतपुर कोटा झालावाड़ के रास्ते छोटे छोटे गाँव से होते हुए उज्जैन पहुँचे थे। हमने सभी स्थानों को चिन्हित किया है, उन सभी स्थानों को विकसित कर धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा। जन्माष्टमी पर सोमवार को मुख्यमंत्री ने पहले उत्तर प्रदेश के गोवर्धन में पुंछरी का लोटा में पूजा अर्चना करने के साथ श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन किए और फिर उज्जैन में संदीपनी आश्रम में भी पहुंचे। बता दें कि भोपाल में 30 जून को पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ा परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर श्री कृष्ण बाथे बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ रणनीति बनी थी। कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश से सटे राजस्थान के डीग जिले के बहज गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से खुदाई के दौरान जमीन के नीचे पूरा गांव होने की जानकारी सामने आई थी। इस दौरान हड्डियों के अवशेष, महाभारत कालीन माने जाने वाले मिट्टी के बर्तन व मूर्तियां मिली थी। जहां यह गांव मिला वह इलाका ब्रज क्षेत्र अर्थात श्री कृष्ण की जन्म स्थली से जुड़ा हुआ है। यह गोवर्धन से मात्र 11 किलोमीटर दूर है। साथियों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।